हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, तो मैं आज लेके आई हूँ सेकंड पार्ट ऑफ आवर ब्लॉग। तो ये हम जा रहे हैं किलोना, किलोना वर्नोन से 40 मिनट्स की ड्राइव पे, और ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टाउन है। ये डाउनटाउन मरीना है किलोना का। यहाँ पे लेक साइड पे पार्क्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, और यहाँ पे आप बोट्स रेंट कर सकते हो, यार्ड रेंट कर सकते हो। बट क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो COVID-19 रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी बोटिंग वगैरह अलाउड नहीं है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हमारा पहले तो प्लान था कि थोड़ा सा घूमेंगे, बट अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हम लोग मोटेल के रूम में जाने वाले हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग मोटेल में रुक रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे प्लान बनाया था एक दिन और ट्रिप एक्सटेंड करने का, तो एयरबीएनबी पे लास्ट मोमेंट बुकिंग्स अवेलेबल नहीं थी, और होटल्स वगैरह भी न्यू ईयर की वजह से बुक थे। तो यहाँ पे एक मोटेल है जहाँ पे हमें बुकिंग मिली है, डिल्वर्थ इन। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हे गाइस, दिस इज़ आवर रूम, एंड ये दो लोगों के लिए है, एंड इतना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे मैंने आज तक यूजुअली सुना हुआ था मोटेल्स के बारे में। और जितने इनके चार्जेस थे, हमने $90 पे किए हैं इस रूम के लिए, और $25 एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं पेट फ्रेंडली के लिए। तो उस कंपैरिजन से अगर आप देखें तो ये बहुत ही सुंदर रूम है। इसमें क्वीन बेड है, टीवी है, ड्रेसर है, साथ में देखिए छोटा सा एक डाइनिंग एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसमें किचनेट है। तो ये देखिए छोटे छोटे काउंटर्स हैं, इसमें सिंक है, गैस स्टोव है, और जो बेसिक आपको जो बर्तन चाहिए वो भी हैं अवेलेबल इसमें। आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस। ये यहाँ लेफ्ट साइड पे वॉशरूम है, और इन्होंने जो शावर एरिया उसको पाउडर एरिया से सेपरेट किया हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर दो लोग रूम शेयर कर रहे हैं, तो अगर एक जना शावर एरिया यूज़ कर रहा है, तो दूसरा बाहर के एरिया को यूज़ कर सकता है। ये यहाँ हमारी चाय और मैगी रेडी हो रही है, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही है और ठंड बहुत है, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो ठंड में मैगी और चाय से अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। ये इस मोटेल का पूल एरिया है, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पाए, तो हमने यहाँ पे पूल की बुकिंग करवा ली। एक्चुअली पहले यहाँ पे वॉक इन जा सकते थे, बट अभी COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको अपने ग्रुप के लिए या फैमिली के लिए पहले ही एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है। तो उस टाइम के बीच में कोई और यूज़ नहीं कर सकता, अगर जो भी टाइम आपको अलॉट किया हुआ है पूल का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इन्होंने टॉवल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया है। सोना इन्होंने बंद किया हुआ है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, बट वॉशरूम्स ओपन है, क्योंकि जब आप पूल यूज़ करते हो तो पूल में क्लोरीन वाला पानी होता है, उसको अगर आप बाहर लेके जाओगे रूम्स में भी स्मेल आती है, कपड़ों में भी, तो आप यहाँ पे एक बार ही शावर लेके जा सकते हो। रात को हम लोगों ने रूम में इतनी मस्ती की, हम लोग रात को बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे, बच्चों की तरह नेम प्लेस थीम खेल रहे थे। इतना मज़ा किया कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, भूल ही गई रिकॉर्ड करना। अभी हम लोग वापस जाने वाले हैं, और ये हम रुके हैं ये थर्ड स्पेस कैफ़े में। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड ने ढूँढा है, ये बहुत ही प्यारा सा कैफ़े है। क्योंकि रात को वेदर ख़राब की वजह से हम लोग कहीं बाहर डाइन इन के लिए जा नहीं पाए थे, सो ऑल वी वांटेड अ नाइस ब्रेकफास्ट बिफोर वी लेफ्ट। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी जाने का टाइम है, और ये मेरी छुटकी सी, इसको भी पूरी सीट चाहिए।
अभी देखिए ये कैसे रूठ के बैठी है, इसको पूरी सीट पे बैठना है। तो ये मैडम जी साइड पे बैठी हुई हैं। है ना कितनी क्यूट है ये, ये छुटकी सी है और इतनी ज्यादा नौटंकी करती है ना। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट ट्रिप ऑफ 2020 ख़त्म हो रहा है एंड हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी मेमोरीज लेके, जो शायद लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग न्यू ईयर पे, हमारी फैमिलीज बैक होम में हैं बट स्टिल हम लोग फ्रेंड्स के साथ अपना न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं इतने अच्छे से। एंड होपफुली हम लोग समर में फिर से वापस आएंगे जब वेदर भी अच्छा होगा एंड होपफुली ये पैंडेमिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं फूड और ट्रैवल की, वो मैं ज़रूर टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहूँगी। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे पोस्ट कीजिए अपने कमेंट्स में और सजेशंस पोस्ट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कैसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए और खुश रहिए।